हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो टेक म्यूजिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर आया है रिपेयर करने के लिए, तो ये ऑन नहीं हो रहा, साउंड नहीं दे रहा है। ऑन हो रहा है बट साउंड नहीं दे रहा है। देखिए ऐसा साउंड दे रहा है ऑन करने पर, देख रहे एलईडी ब्लिंक हो रही है। ये ऑन हो रहा है बट साउंड ऐसा आ रहा है, तो चलिए देखते इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, साउंड सिस्टम में इस तरह के प्रॉब्लम को आप किसी भी स्पीकर में आप इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है इसमें। तो देखिए, मैंने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है, आप देख पा रहे हैं ये छोटा बोर्ड है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए ऑन हो रहा है बट साउंड ऐसा आ रहा है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड हमारा ऑन हो जा रहा है, ये लाइट ब्लिंक रही थी। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो मेन आईसी है, ये मेन आईसी हमारे सही है। ये सही नहीं होता तो ये बोर्ड नहीं ऑन होता। देखिए बोर्ड ऑन हो रहा है, तो चलिए पहले ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। मैं पहले ब्लूटूथ कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो अवेलेबल डिवाइस में कॉन्ट्रा डिवाइस एक आ गया है, कॉन्ट्रा लिख कर, तो मैं इसको मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो गया है, आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रा लिख का एक डिवाइस कनेक्ट हो गया है। ये इसी सिस्टम का है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कॉन्ट्रा लिखा है। तो चलिए पहले हम इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं हमारा सॉन्ग चल रहा है कि नहीं। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, तो ये देखिए मैंने सॉन्ग प्ले किया और ये सॉन्ग चल रहा है। वॉल्यूम भी फुल है बट कोई साउंड नहीं है, आप देख पा रहे हैं कोई साउंड नहीं है। और ये देखिए आईसी बहुत हीट हो रहा है, अब देख पा रहे हैं आईडी आईसी बहुत हीट हो रहा है। मैं पहले इसको बंद कर दे रहा हूँ, नहीं तो और कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको इस वीडियो में कि इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं पहले बोर्ड को बाहर कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैं पहले आपको ये आप देख पा रहे हैं इसी ये बोर्ड है। तो पहले मैं आपको ये इसका बैटरी वोल्टेज मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, बैटरी वोल्टेज कितना है। तो पहले बैटरी वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज पे सेट करना है। और चलिए मैं बैटरी वोल्टेज चेक करा दे रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं बैटरी वोल्टेज है 4.16 वोल्ट, हम देख पा रहे हैं। मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं 4.16 वोल्ट, यानी कि हमारा बैटरी जो है 100% ओके है। और जो हमारा प्रॉब्लम है इस 8 पिन के आईसी में, ये देखिए गर्म हो रहा था जो आईसी, हम देख पा रहे हैं। तो इसी पर हम काम करने वाले हैं, इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका नंबर। इस आईसी का नंबर है LPA 4871, आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। इस आईसी का नंबर है LPA 4871। तो इस आईसी के जगह पर हम दूसरा आईसी लगाएंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वो बताएंगे हम आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसके पहले स्पीकर जैक को बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो चलिए इसको निकालते हैं इस आईसी को। तो इन सब को साइड करते हैं और फिर से मैं आपको बताऊंगा कौन सी आईसी लगानी है इसमें, वीडियो बने रहिए आप। हम देख पा रहे हैं आईसी को निकालने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं छोटा सा डॉट है आईसी में, वो आपको ध्यान में रखना है कि वो डॉट किस साइड में है। तो हमारा जो आईसी का डॉट है वो साइड किनारे में है। तो मैं पहले इस पर पेस्ट लगा ले रहा हूँ और इसके बाद हम फिर निकालेंगे इसको हीट देकर। तो देखिए मैं इसको हीट देकर निकाल रहा हूँ आईसी को। आपको टेम्परेचर 350 पर रखना और एयर को 2 पर रखना है, ज़्यादा हीट नहीं देना है नहीं तो प्रिंट फट जाएगी। तो ये देखिए मैंने आईसी को बहुत आसानी तरीके से बाहर निकाल लिया है, हम देख पा रहे हैं कोई प्रिंट नहीं फटा है, हम देख पा रहे हैं बहुत ही स्मूथ बाहर आ गई आईसी।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी आईसी लगानी इसमें। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास पुराना बोर्ड है। तो दोस्तों इस आईसी का नंबर है 8002D, ये इस आईसी का नंबर है। तो मैंने इनके पिनों को मैंने आपस में मैच किया है, तो दोनों आईसी का सेम ही था डाटा। तो इसका जो स्पीकर आउटपुट है और आइडियो इनपुट, बैटरी वोल्टेज जो भी है इनका, मैंने दोनों बोर्डों को मैच किया तो दोनों बराबर थे, सेम बोर्ड थे और सेम आईसी की तरह थे। तो ये आईसी हम उसमें लगाएंगे, देखते हैं काम करेगा कि नहीं। तो चलिए मैं पहले इस पे भी पेस्ट लगा ले रहा हूँ, फिर निकाल के उसमें लगाएंगे, देखते हैं काम करता है कि नहीं हमारा आईसी। इस पे भी हिट देंगे, हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अब चलिए इस आईसी को इसमें हम लगाएंगे फिर। देखिए इस आईसी में जो डॉट है, मैं आपको दिखा दूँ, जो डॉट है आप देख पा रहे हैं इधर है। तो हमारा उस आईसी में, पुराने वाला आईसी में जो डॉट था वो किनारे में था, तो इसके आईसी को भी डॉट किनारे साइड में करेंगे और आईसी को अच्छी तरीके से रख करके फिर दोबारा हीट देंगे हम। मैंने आईसी को रख दिया है, अब चलिए इस पर दोबारा हीट देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं मैंने इसको हीट दे दिया पूरे अच्छी तरीके से, अब देख पा रहे हैं आईसी लग गई है। देख पा रहे हैं ये देखिए कोई भी प्रिंट आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, पूरी अच्छी तरीके से आईसी लग गई है। तो चलिए स्पीकर कनेक्टर को मैं पहले लगा दे रहा हूँ, फिर आपको चेक करा देता हूँ हमारा साउंड आवाज़ दे रहा है कि नहीं, सही हुआ कि नहीं बोर्ड। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं बैटरी लगा दे रहा हूँ, देखिए मैंने बैटरी लगा दी, स्पीकर को भी लगा दे रहे हैं। ये स्पीकर भी हमारा लग गया, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। वेलकम टू कंट्रा म्यूजिक वर्ल्ड। ये देखिए हमारा बोर्ड ऑन हो गया, हम देख पा रहे हैं ये डिवाइस भी कनेक्ट हो गया। अब चलिए इसमें हम सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं सॉन्ग चल रहा है कि नहीं। तो मैं सॉन्ग को प्ले कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए सॉन्ग चल रहा है पूरी अच्छी तरीके से, हमारा ऐसी काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड सही हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।